फोर्स दैट एक्ट ओनली वैन टू बॉडीज आ रही इन फिजिकली कॉन्टेक्ट मीज जो टू तो बॉडीज क्या होते हैं फिजिकली इन कॉन्टैक्ट के अंदर आती है जैसे आप फिगर के अंदर देख सकते हो बच्चों ने क्या पकड़ा स्ट्रिंग को पकड़ा जो टू बॉडीज क्या होगी फिजिकल कॉन्टेक्ट के अंदर आइट दिस इज नोन एज द कॉन्टैक्ट फॉर एग्जाम्पल जैसे मैग्नेटिक फोर्स हो गया फ्रिक्शनल फोर्स हो गया मैकेनिकल फोर्स दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्टेक्ट फोर्स नेक्स्ट टॉपिक विल बी नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स फोर्स दैट एक्ट वैन His bodies are not physically in contact. This is known as a non contact force. It means a magnet can exert a force. On another magnet without being in contact with it, the force exerted by magnet is an example of non-contact force. Next will be some examples of contact force. Some examples of contact force. Now some examples magnetic force, electrostatic force and gravitational force. These are the example of gravitational force. Next will be magnetic force. Force exerted by magnets on iron objects. इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स फॉर एक्जाम्पल जैसा इस फिगर के अंदर देख सकते हो यहाँ पे क्या है क्रेन की हेल्प से क्या है जो मैग्नेट्स को उठाया जा रहा है सो इट मीन्स क्या है मैग्नेटिक फोर्स है ये सो नेक्स्ट विल बी इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स क्या है इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन एग्जर्टेड बिटवीन चार्ज पार्टिकल बिटवीन सेम चार्ज पार्टिकल एंड बिटवीन अपोजिट चार्ज

earth gravity on all objective object or things fall towards the earth because it pulls them this force is called the gravity force of gravity or just gravity this is an attractive force casa force of the attractive force the force of gravity act on the, all of the objects next will be muscular for the force that is caused by action of muscular uh, मसल्स इन साइड द बॉडी दिस इज आल्सो कॉन्टेक्ट इट मीन जो एनिमल्स होते हैं जो यूज करते हैं किसको मस्कुलर फोर्स को किसी भी टास्क को करने के लिए एग्जाम्पल के अंदर देख सकते हो आप डोंकीज़ डौ, वगैरह होर्स वगैरह कौन से फोर्स को यूज करते हैं ये यूज करते हैं मस्कुलर फोर्स को या इन दिस एग्जाम्पल आप देख सकते हो जो कुल इसने क्या उठा रखा है सामान को उठा रखा है इट मीन कौन सा फोर्स को यूज किया है मस्कुलर फोर्स को आल्सो जो, जो एथलेटिक्स होते हैं यूज दिस मस्कुलर फोर्स फॉर रनिंग भागने के लिए या फिर किसी दौर में पार्टिसिपेट करने के लिए इस फोर्स का यूज करते हैं इस मसुलर फोर्स का सो नेक्स्ट विल बी प्रेशर इट इज डिफाइन एज फोर्स एग्जर्टेड पर यूनिट एरिया इट मीन जो फोर्स एग्जर्ट होता है पर यूनिट एरिया के अंदर दिस इज नोन एज प्रेर एज सी इन दिसगर आप इस फिगर के अंदर देख सकते हो क्या है कि ये हमारी बोटल, बोटल के क्या है हॉट वॉटर है इट मीन जो क्या है क्लस्ट होगी ड्यू टू एटमोसफेयर गैस के अंदर कोई ना कोई इसके अंदर गैस है सेम एज आप इस फिगर के अंदर देख सकते हो क्या पर्सन क्या रखे पर्सन इज ट्राइंग टू हमिंग ए नेल एक ने, ने, क्या है किसी भी नेल को किसी जगह पर वो कोशिश कर रहा है इट मीन क्या वो दैट मींस यू अपलाइंग प्रेस इट मीन क्या अप्लाई कर रहा है प्रेशर इट आई थिंक यू नो द प्रेशर क्या होता है प्रेशर नेक्स्ट विल बी फैक्टर्स ऑन विच प्रेशर इट डिपेंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू फोर्स एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया इट मीन्स जो क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है फोर्स के एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शन इट मीन्स दिस इज द दिस इज द साइन ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इट मीन्स क्या है जहां पर भी आपको ये साइन दिखे, इट मीन्स क्या ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का इट मीन जो प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है फोर्स के एंड जो प्रेशर है इनवर्सली प्रोपोर्शनल इट मींस एरिया के इट मीन्स क्या है इनवर्सली इट मीन्स उसका इनवर्स है तो इट मीन्स क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स के एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया सो फॉर्मूला क्या हुआ प्रेशर फॉर्मूला क्या हुआ हमारा प्रेशर इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया सो दिस इज अवर फॉर्मूला नेक्स्ट विल बी यूनिट ऑफ प्रेशर आपसे कोई पूछ सकता है वट यू मीन बाई प्रेशर यूनिट सो एस आई यूनिटर वीन बाई एस आई मीन होता है इंटरनेशनल यूनिट सो एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज पासकल वन पासकल इज टू न्यूटन पर मीटर स्के प्रेशर इज डिफाइंड एज वन पासकल वेन वन न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन वन मीटर स्के square area is known as unit of pressure so students you read this chapter properly if you have any doubt any query then ask me in comment box thank you very much